हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी। मैं सर सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 14 क्रेज लेसन का एक्सरसाइज वीडियो कवर कराएंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को पिछली प्रीवियस वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे लिखे ये प्रश्न है, इनके उत्तर हमें देखना है। जस्ट लाइक प्रश्न है व्हाट इज ट्रेविलिया, ट्रेविलिया क्या है। दूसरा हु फॉल्स प्रे टू इट। हु डू पीपल फील एंग्जायस टू कंटेक्ट ट्रेवल एजेंट। व्हेन डू वी सी द सीजनल आउटबर्स्ट। रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड ऑन टू थिंग्स व्हाट आर दे। चलिए देखते हैं इनके आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेविलिया, ट्रेविलिया क्या है। आंसर है ट्रेविलिया इज अ न्यू एज मॉडर्न डिसीज। ट्रेवल बग मीन्स द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गो ऑन अ टूर स्पेशली ड्यूरिंग समर वेकेशन। ट्रेविलिया इज अ न्यू एज मॉडर्न डिसीज। ट्रेविलिया एक नए युग की आधुनिक बीमारी है। ट्रेविलिया एक नए युग की आधुनिक बीमारी है। ट्रेवल बग मतलब होता है यात्रा की भूख। मींस होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गो ऑन टूर। समर वेकेशन के दौरान, विशेषकर समर वेकेशन गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जो आपकी इच्छा करती है घूमने फिरने की, वो इस नए युग की बीमारी है। ये ट्रेविलिया एक ऐसी बीमारी है जो घूमने फिरने की बीमारी। ट्रेवल मीन्स होता है घूमना फिरना। जैसे कि आज आप लोग जानते हो कि इस युग में, आज की इस मॉडर्न युग में सबसे ज़्यादा लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो ये बीमारी, ये ट्रेवल बग कब सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, जब गर्मियों की छुट्टी होते हैं। और गर्मियों की छुट्टी में क्यों होता है, क्योंकि एक तो गर्मी होता है तो लोग गर्म एरिया में ना रह कर थोड़ा ठंडे स्थानों में जाते हैं। और दूसरी बात, समर वेकेशन में सबकी छुट्टियां चल रही होती है, तो उस दौरान लोग ज़्यादा घूमने फिरने के लिए जाते हैं। इसलिए ये ट्रेविलिया को आधुनिक युग का बीमारी कहा गया है। सेकेंड है हु फॉल्स प्रे टू इट। कौन इसके सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं, प्रे टू इट। जो ट्रेविलिया नामक जो बीमारी है, या ट्रैवल घूमने फिरने की जो भूख है, यात्रा करने की भूख है, वो भूख सबसे ज़्यादा किसको होती है, या फिर ये बीमारी सबसे ज़्यादा किन लोगों को लगती है। आंसर है पार्टिकुलरली अर्बन वेल्दी पीपल फॉल्स प्रे टू इट। विशेषकर जो शहरी क्षेत्र के धनी लोग हैं, वेल्दी पीपल धनी लोग हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा ये मॉडर्न युग की ट्रेवल बग वाली बीमारी लगती है। मतलब जो धनी लोग होते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, घूमने फिरने वही लोग जाते हैं जिनके पास पैसे रुपए होते हैं। अधिक गांव के लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके पास कमाने का ही समय नहीं मिलता है। फिर वो किस पैसों के लेकर के घूमने के लिए जाएंगे। तो इसलिए ये बीमारी सबसे ज़्यादा धनी लोगों को ही होती है। नेक्स्ट है व्हाई डू पीपल फील टू एंग्जायस टू कंटेक्ट ट्रेवल एजेंट। लोग यात्रा के दलाल ट्रेवल कंटेक्ट ट्रेवल एजेंट यात्रा के दलाल से संपर्क को लेकर एंग्जायस चिंतित फील महसूस क्यों करते हैं। जो लोग होते हैं जो ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, वो लोग यात्रा के दलालों से संपर्क करने को चिंतित क्यों महसूस करते हैं। आंसर है पीपल फील एंग्जायस टू कंटेक्ट ट्रेवल एजेंट्स बिकॉज दे बिकम ईगर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट टूरिस्ट प्लेसेस।
लोग यात्रा के दलालों से कांटेक्ट संपर्क करने को चिंतित महसूस करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे वी कैन ईगर भी उत्सुक होते हैं टू गेट इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने को अबाउट टूरिस्ट प्लेस, जिस स्थान पर वो घूमने के लिए जाते हैं या जाना चाहते हैं उस स्थान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उत्सुक होते हैं। इसलिए जो लोग होते हैं वो जो ये ट्रैवल टिकट वगैरह करवाते हैं या फिर बताते हैं कि कहाँ कौन स्थान जाना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, उनके जो दलाल होते हैं उनसे संपर्क करने के लिए चिंतित फील करते हैं, चिंतित महसूस करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा। चलिए इधर चौथा है, व्हेन डू वी सी द सीजनल आउटबर्स्ट, कब हमें मौसमी विस्फोट कब दिखाई देता है। व्हेन डू वी सी हमें मौसमी विस्फोट, सीजनल आउटबर्स्ट, व्हेन डू वी सी कब दिखाई देता है, तो हमें मौसमी विस्फोट कब दिखाई देता है। आंसर है वी सी द सीजनल आउटबर्स्ट एट द टाइम ऑफ द समर वेकेशन, तो हमें मौसमी विस्फोट गर्मियों की छुट्टी में, गर्मियों की छुट्टी के टाइम में या पर में दिखाई देता है, गर्मियों की छुट्टी में अधिक हमें ये मौसमी विस्फोट दिखाई देता है। फाइव है, रिसर्च इट स्टिल रिक्वायर्ड ऑन टू थिंग्स, व्हाट आर दे, व्हाट आर दे, हमें दो चीजों पर अभी शोध बाकी है। रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड ऑन टू थिंग्स, दो चीजों पर अब भी रिसर्च बाकी है, आवश्यक है, रिक्वायर्ड है, व्हाट दे आर, वे क्या है, दो चीजों पर अभी भी सर्च रिसर्च बाकी है, वो क्या है। आंसर है रिसर्च दैट स्टिल रिक्वायर्ड ऑन टू थिंग्स आर फर्स्टली द डिस्कवरी दैट वंस नेबर्स एंड इंटरेस्टिंग पीपल एंड सेकेंडली यू डू नॉट हैव टू ट्रेवल टू फॉर टू सेटिस्फाइड यू क्यूरियोसिटी। देखिए इसमें शोध कार्य, रिसर्च दैट, शोध कार्य जो कि स्टिल अभी भी बाकी है दो चीज़ों पर। सबसे पहला चीज़ है फर्स्टली द डिस्कवरी दैट वंस नेबर, ऐसे नेबर, ऐसे पड़ोसियों का चुनाव करना जो लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो, और दूसरा ये है कि हमें लोगों की, यू डू नॉट हैव टू ट्रेवल, यू डू नॉट हैव टू ट्रेवल टू फॉर टू सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड किंतु अपनी उत्सुकता को संतुष्टि के लिए बहुत कम अधिक दूरी का भ्रमण करनी चाहिए। देखिए भ्रमण करने की जो उत्सुकता है उसको कम दूरी में ही, बहुत अधिक दूर ना जाएं, कम दूरी में ही अपने भ्रमण की इस उत्सुकता को संतुष्ट करनी चाहिए। इस प्रकार से ये दो चीज़ों पर अभी भी रिसर्च बाकी है कि मनुष्यों के लिए कैसे, क्यों, क्या कारण है बग का, ट्रैवल बग का। तो एक तो यह है कि उनके पड़ोसी इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, उन्हें अच्छे स्थान जाना अच्छा लगता है, ये कारण है। और इसका उपाय क्या दिया गया है कि जो उनके नेबर होते हैं, लोगों के नेबर पड़ोसी होते हैं, उनके इंटरेस्टिंग पड़ोसी होना चाहिए, इस प्रकार की खोज अभी भी बाकी है। और दूसरा चीज़ यह है कि यदि व्यक्ति घूमने के लिए जा ही रहा है तो बहुत अधिक दूर स्थानों तक घूमने के लिए ना जाए। इस प्रकार से आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज है, राइट ट्रू और फॉल्स इन बॉक्सेस, ये बॉक्स में हमको ट्रू एंड फॉल्स भरना है कथन को पढ़ करके। फर्स्ट है, द पेशेंट ग्रोप्स रेस्टलेस एंड स्टार्ट रशिंग टू द ट्रेवल एजेंट, ये ट्रू है, सही है। दूसरा है, ट्रैवलिंग इंक्रीजिंग नॉलेज, ट्रैवल घूमने फिरने से ज्ञान में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, ये भी सही है। दूसरा, ट्रेवलिया इज अ मॉडर्न डिजीज फॉर रिच, जो ट्रैवलिंग ट्रेवलिया एक बीमारी है नए युग की, वो धनी लोगों में अधिक होती है, सही है। चौथा है, द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज इजली फॉल टू प्रे टू इट, इसमें ये लिखा हुआ, ये बताया है कि जो लोग रूरल गांव के क्षेत्र में रहते हैं, गांव स्तर में रहते हैं, वो लोगों को
को ये ट्रेवल नामक बीमारी सबसे अधिक घेरती है तो ये गलत है, फाल्स है। पांचवा, द डिजीज मेंशन्ड इन द लेसन इज नॉट इफेक्टियस। जो डिजीज होते हैं वो मेंशन्ड इन द लेसन इज नॉट इफेक्टियस। जो डिजीज इस लेसन में मेंशन्ड है, ट्रेवल नाम का डिजीज, वो उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, ये भी फाल्स है, क्योंकि ट्रेवलिया एक इन्फेक्शनेटेड बीमारी है। दूसरों को घूमता फिरता हुआ देख दूसरे व्यक्ति भी, अन्य व्यक्ति भी सोचता है कि वो भी घूमे फिरे, वो भी इधर उधर जाए। छठवा है, द सीजनल आउटबर्स्ट कैन बी सीन ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जो ये सीजनल आउटबर्स्ट मौसमी विस्फोट है वो समर वेकेशन गर्मियों की छुट्टी में ही देखने को मिलता है, तो ये ट्रू है, सही है। सातवां है, द जर्मन एंड ब्रिटिश आर फंड ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ देमसेल्फ बिफोर प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। जो ऐतिहासिक रुचिकर स्थानों की पिक्चर लेने की उत्सुक जर्मन और ब्रिटिश होते हैं, गलत है ये, क्योंकि अमेरिकन लोग ऐसा कर रहे थे, जर्मन और ब्रिटिश दूसरा कर रहे थे, तो ये कथन भी फाल्स होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड, कंप्लीट द टेबल फिलिंग द ब्लैंक्स विद द इंफॉर्मेशन यू गॉट फ्रॉम द लेसन अबाउट द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, हमें खाली स्थानों को कंप्लीट करना है इंफॉर्मेशन जो लेसन में दिए गए हैं उसके अनुसार से। अब यहाँ पास हमें प्लेसेस आइडिया और इंफॉर्मेशन चाहिए, देखना है। प्लेसेस इन दिल्ली, दिल्ली में कौन सा स्थान पाया गया लेसन में, जंतर मंतर के बारे में बताया गया इसमें। दूसरा है आगरा के बारे में, तो ताजमहल आगरा में क्या था, ताजमहल लेसन में मेंशन किए हुई चीज़ों को बोल रहा है। तीसरा है रिलीजियस प्लेस दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चौथा है म्यूजियम सलर जंग म्यूजियम। तो ये लेसन में आए हुए इंफॉर्मेशन है और वो स्थान है, किस तरह की स्थान है उसके बारे में। नेक्स्ट, वोकैबुलरी है, फर्स्ट है गिवन आर द नेम्स ऑफ डिजीजेस, कैटेगराइज देम इन द टेबल गिवन बिलो। मलेरिया, कैंसर, पैरालिसिस, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, टाइफाइड, निमोनिया, एड्स, जॉन्डिस, टीबी, पोलियो और डायरिया, ये बीमारी हैं। इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। अब इसमें से इन बीमारियों में हमें छांटना है जो संक्रमण फैलने वाली बीमारी हैं और जो जिनसे संक्रमण नहीं फैलता वो बीमारी। तो स्मॉल पॉक्स, कोरेला ये संक्रमित बीमारी है, टाइफाइड, निमोनिया ये भी संक्रमित बीमारी है, जॉन्डिस और टीबी और ये डायरिया ये भी फैलने वाली बीमारी है, और दूसरा मलेरिया, कैंसर, पैरालिसिस, एड्स और पोलियो ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो ये फैलने वाली और ये फैलने वाली नहीं है, ये बीमारियों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, बी नंबर, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट है, अब देखिए इसमें ब्रैकेट्स में दिया गया है और लेसन में अपने किस हिसाब से चीज़ों को पढ़ा है उसके बारे में यहाँ पर भरना होगा। आवर कलीग्स इन द स्टाफ मेड अ प्लान टू विजिट आगरा दिस वीक। देखिए ये जो वो था सेंटेंस था वो आया हुआ था, तो देखिए हमारे कलीग मतलब साथ में काम करने वाली स्टाफ के लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं इस हफ्ते आगरा विजिट करने को, आगरा की यात्रा करने को, तो कलीग कर रहे थे। दूसरा, साइंटिस्ट्स आर एस ट्राइंग टू डिस्कवर अ वैक्सीन फॉर अ डिसीज कॉल्ड एड्स।
बीमारी के जो वैक्सीन है उसका डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा है द रेड फोर्ट, जंतर मंतर एंड द ताजमहल आर माउंटेन्स। तो जो ये जंतर मंतर, रेड फोर्ट, जंतर मंतर और ताजमहल है, ये क्या है, मोनूमेंट्स हैं, ये इमारत है, मोनूमेंट्स है, ठीक है, मोनूमेंट्स है ये। चौथा, ट्रेवेलिया इज अ मॉडर्न डिसीज, पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया फॉल प्रे टू इट। जो ये ट्रेवेलिया नाम का बीमारी है, ये जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं इन लोगों का सबसे ज़्यादा शिकार करती है। पांचवा है, द डिसीज मेंशन्ड इन द लेसन इज इफेक्टियस। तो जो इस लेसन में जो डिसीज के बारे में बताया गया है, ट्रेवेलिया डिसीज, वो कैसा बीमारी है, इफेक्टियस संक्रमित बीमारी है, संक्रमण रोग है ये। आई होप फ्रेंड्स ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है सी नंबर, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इसमें अनेक शब्दों के एक शब्द देना है। पहला, वन हु इज सिक, वह जो बीमारों की इलाज करते, ही इज अ, वह जो बीमार होते हैं, ही इज अ, वह जो बीमार होते हैं वो कौन, क्या कहलाते हैं, पेशेंट, मरीज कहलाते हैं। दूसरा, वी कैन गो इट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी। तो जो वी कैन गेट इट, मैंने इसे पाया किस में, न्यूज़पेपर में, टीवी, रेडियो में पाया, तो किसे पाया, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज को पाया। तीसरा, द प्लेस वेयर वी कैन सी ओल्ड थिंग्स, वो स्थान जहाँ पर हमने इन पुराने सामानों, वो स्थान जहाँ पर हमें पुराने चीज़ों को देखने को मिल सकता है, वो कौन सा स्थान होता है, म्यूजियम होता है, संग्रहालय होता है। चौथा, इट इज़ द अपोजिट्स ऑफ फैमिलियर, फैमिलियर का उल्टा शब्द क्या होता है, अनफैमिलियर होता है, पारिवारिक, अपारिवारिक। पाँचवा है, अ साइन ऑफ चेंज इन योर बॉडी और माइंड दैट सो दैट यू आर नॉट हेल्दी। आपके शरीर बॉडी में कुछ चेंजेस, बदलाव होते हैं, माइंड मन में भी, जो दिखाते हैं कि यू आर नॉट हेल्दी, आप ठीक नहीं हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं। तो क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, क्या दिखाई देते हैं आपको, लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया आ रहा होगा। प्लीज़ समझ में आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है ग्रामर सेक्शन, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कुटुंब सर, केव्स, चित्रकोट फॉल, कांगेर वैली, सिरपुर, बमलेश्वरी टेम्पल, रामगढ़, पेंटिंग्स, भिलाई स्टील प्लांट, भोरम देव, सोना खान, बस्तर मेला, केसकाल घाटी, मैन पार्ट। ये छत्तीसगढ़ के ऐसे एरिया हैं, प्राकृतिक एरिया हैं, जहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। आगे देखते हैं इनको क्या कहा। वर्क इन पेयर, जोड़ी काम कीजिए। पहला, पिक अप द वर्ड्स गिवन अबव एंड आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस एज गिवन इन द एग्जाम्पल एंड कंप्लीट द टेबल। जो हम यहाँ अभी पहले एग्जाम्पल पढ़े हैं उनसे क्या करना है, जो ये टेबल है उनको कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट है, हैव यू एवर सीन कुटुंबसर केव, क्या आपने कभी कुटुंबसर की गुफाओं को देखा है। बी नंबर में, यस आई हैव, हाँ मैंने देखा है। और ए नंबर, व्हेन डिड यू गो देयर, आप कहाँ कब गए थे, आप यहाँ कब गए थे, आप वहाँ कब गए थे। आंसर, आई वेंट देयर इन द समर वेकेशन, मैं वहाँ गर्मियों की छुट्टी में गया था। और नो आई वेंट टू ओडिशा, नहीं मैं यहाँ नहीं गया था, मैं उड़ीसा गया था। इस प्रकार से पैराग्राफ बना के कुछ अपने जोड़ी में बात करना है, देखना है। तो ठीक है, ये वाला यदि आपको ज़्यादा समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इसे वार्तालाप करना है इनको। मैं जानती हूँ कि ज़्यादा समझ में
खासकर 8 क्लास के बच्चों की इतना ज़्यादा नहीं आ सकता है समझ में, इसलिए मैं इसको नहीं बनाई। हालांकि आप लोग ऐसा करके देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा क्या कहते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए कोई झंझट नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, मेक योर सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। इस टेबल में जो सेंटेंस दिए गए हैं, मेक सेंटेंस बनाना है इसमें वर्ड्स के थ्रू। जैसे आई हैव सीन सिरपुर, वी हैव सीन कांगेर वैली, यू हैव सीन भोरम देव, दे हैव सीन सोना खान, ही हैज सीन सिरपुर, शी हैज सीन कांगेर वैली, रामू हैज सीन भोरम देव, सी हैज सीन सोना खान, शी हैज सीन चित्रकूट फॉल, रामू हैज सीन भोरम देव, रामू हैज सीन सोना खान, रामू हैज सीन मैन पार्ट। इस प्रकार से हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे आप पास आई हैव सीन सिरपुर, वी हैव सीन कांगेर वैली, यू हैव सीन भोरम देव, दे हैव सीन सोना खान, आई हैव सीन मैन पार्ट, वी हैव सीन चित्रकूट फॉल, ही हैज सीन सिरपुर, सी हैज सीन कांगेर वैली, रामू हैज सीन भोरम देव, ही हैज सीन सोना खान, सी हैज सीन मैन पार्ट और रामू हैज सीन चित्रकूट फॉल। तो इस प्रकार से यहाँ ये ग्रामर है, इसमें सेंटेंस बनाना है। और मैं जानती हूँ कि सेंटेंस तब तक नहीं बनता है जब तक कि हम लोगों को ग्रामर नहीं आए। हालांकि शब्द आप सुन करके शब्द को पढ़ना, उनकी मीनिंग बस आप सीखिए, जब सेंटेंस को पूरा बताने की बारी आएगी तब उस समय मैं आपको बताऊंगी। हालांकि आपको यदि ग्रामर आता होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। कोशिश करिए ग्रामर सीखने की। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी जो ये एक्सरसाइज वाली वीडियो है इसमें हमारी वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।